Hello, my dear students. I hope you all are taking good care of yourselves at your home. Students, today I am going to teach you a new chapter from your science book, that is the first chapter, Sources of Food. In this chapter, we will learn food varieties, sources of food like plant sources, animal sources, different food habits of different animals, etc. I will read each paragraph and I explain to you in Hindi. So let's start. We know that energy is required for any machine or an engine to work. Our car gets energy from burning petrol or diesel. Similarly, living things also need energy to grow and to do various activities. Living things get energy from the food they eat. Food is the fuel for our body because it provides energy to us. हम जानते हैं कि किसी भी मशीन या इंजन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारी कार को पेट्रोल या डीजल से एनर्जी मिलती है। इसी तरह जीवित चीज़ों को बढ़ने और विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जीवित चीज़ों को उनके द्वारा खाए गए फूड से ऊर्जा मिलती है। भोजन हमारे लिए ईंधन है क्योंकि हमें एनर्जी प्रदान करता है। Why do we need food? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है? There are three points given in this page. That is the answers of this question. The first point, we need food to get energy to work and play, nutrients for the growth, maintenance and repair of the body, cells and tissues, protection from diseases to keep us fit and healthy. हमें काम करने और खेलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से मिलते हैं। हमें शारीरिक विकास पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए भोजन चाहिए। फूड शरीर की कोशिकाओं और टिश्यूज की मरम्मत करता है। इसके अलावा फूड हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है और हमारे शरीर को फिट और हेल्थी बनाए रखता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फूड वैरायटी। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। द फूड आइटम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल, टू कुक राइस वी नीड राइस एंड वाटर। दस राइस एंड वाटर आर द टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉइल्ड राइस। Some food items are made with many ingredients. For example, to prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil, etc. हम कई प्रकार के भोजन खाते हैं। फूड आइटम्स विभिन्न मटेरियल से बने होते हैं। फूड आइटम्स तैयार करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करता है इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। जैसे चावल पकाने के लिए हमें पानी और कच्चे चावल चाहिए। इस प्रकार चावल और पानी उबले हुए चावल के दो इंग्रेडिएंट्स हैं। कुछ फूड आइटम्स कई सामग्रियों के साथ बनाया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल करी तैयार करने के लिए नमक, तेल, मसाले आदि चाहिए। एक्टिविटी नंबर वन, राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। यहाँ कुछ फूड आइटम्स दे रखा है। वो फूड आइटम्स कौन सा इंग्रेडिएंट से तैयार होता है ये बताना है। फर्स्ट वन इज रोटी। यू नो दैट रोटी इज फॉर मेकिंग रोटी वी नीड आटा, वाटर, साल्ट एक्सेट्रा। फॉर मेकिंग इडली वी नीड राइस, उड़द दाल, वाटर एक्सेट्रा। फॉर मेकिंग सैंडविच वी नीड ब्रेड, बटर, टोमेटो, कुकुम्बर, चीज एक्सेट्रा। द नेक्स्ट पैराग्राफ, sources of food. Have you ever thought where do the ingredients of various dishes come from? What is the source of rice? Of course, plants. Where does milk, eggs, meat come from? All these things comes from animals. क्या आपने कभी सोचा कई प्रकार के dishes के लिए ingredients कहाँ से आते हैं? चावल का स्रोत क्या है? पौधों से। दूध, अंडे, मांस आदि कहाँ से आते हैं? जानवरों से।
एक्टिविटी नंबर टू, फाइंड आउट द सोर्सेस ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। राइस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ राइस? प्लांट्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दाल? प्लांट्स। बटर, एनिमल्स। शुगर, प्लांट्स। ऑयल, प्लांट्स। घी, एनिमल्स। मिल्क, एनिमल्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट मेजर पार्ट ऑफ अवर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। हमारे अधिकांश फूड है प्लांट्स से मिलते हैं, जैसे कि चावल है, अनाज है, दाल है, सब्जियां हैं, फल, मसाले, तेल, चीनी आदि। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड एज फूड बाय अस। हम प्लांट के कई हिस्से जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। जो प्लांट का जो पार्ट्स जो खाने योग्य है, जिसको एडिबल कहा जाता है, खाने योग्य कहा जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। द रेस्ट ऑफ दिस लेसन विल टीच यू इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।